सो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, अ सर्कल ड्रॉन थ्रू बी टचेज ए सी एट डी एंड इंटरसेक्ट ए बी एट पी। अच्छा, ए बी को पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए पी का वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर, देन ए बी इज इक्वल टू व्हाट। सो देख लेते हैं कि ए आपका क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है ए बी एंड सी। फिर क्वेश्चन में बोला है कि ए बी एंड ए सी इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है बी से जो ए सी को डी पे टच करेगा, ठीक है भैया, ऐसे करके टच करवा दिए। तो सर्कल जैसा दिख नहीं रहे, ओके, बट मान लेते हैं कि सर्कल डी पे टच कर गया, जहां पे टच किया इसका नाम डी रखा है हमने एंड ए बी को कट किया है पी पे। क्वेश्चन में दे दिया कि ए पी का जो वैल्यू है ये कितना है, 2.5 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू व्हाट। चलिए ठीक है, तो एक थियरम होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर एक सीकेंट ड्रॉ किया, एक और सीकेंट ड्रॉ कर लेते, ये पी हो गया, ए हो गया, बी सी डी एंड टी। सो जो रिजल्ट है वो बोलता है कि पी ए इंटू पी बी इक्वल टू होगा पी सी इंटू पी डी एंड इक्वल टू क्या होगा, पी टी स्क्वायर। ये जो रिजल्ट है इसी का हम यूज करने वाले हैं। तो अगर डी मिड पॉइंट है, हमने मान लिया कि ए डी का वैल्यू एक्स है, अगर ए डी एक्स तो डी सी भी एक्स हो जाएगा, ए सी का वैल्यू कितना हो गया 2x, तो ए बी भी कितना हो जाएगा 2x। सो लिख दे ए पी इंटू ए बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर होगा, ए पी कितना है 2.5 इंटू ए बी कितना हो गया 2x इक्वल टू हो गया x स्क्वायर। सो x का वैल्यू कितना हो गया है 5। इफ x इज 5 हमें चाहिए ए बी, ए बी कितना हो गया 2x, सो आ गया है 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर।